हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट इंग्लिश ऑफ स्टैंडर्ड 7। सो लेट स्टार्ट। ओके, आई विल स्टार्ट योर यूनिट नंबर 2, एक्सप्लोरिंग पजल। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या दी है, एक स्टोरी दी है, अकबर एंड बिरबल की स्टोरी दी है। सो लेट स्टार्ट। एम्परर अकबर वॉज अ ग्रेट एंड वाइज रूलर एंड ही हैड fine advisor in his court, but the wisest of this was Birbal. Whenever the emperor thought of the difficult problem puzzle, he turned to Birbal. ठीक है, यहाँ पे जो अकबर है वो क्या है, राजा है, और उसको अकबर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन लाने के लिए किसको हायर करते हैं, बिरबल को। वन प्लीजेंट इवनिंग इन मार्च अकबर वॉज स्ट्रोलिंग इन हिज कॉर्टयार्ड। कॉर्टयार्ड मतलब कि जो बालकनी जैसा होता है, गैलरी जैसा, उसको कॉर्टयार्ड बोलते हैं। एक बार एक शाम को, मार्च की शाम को, जो अकबर है वो अपने कॉर्टयार्ड में टहल रहे थे। ही हैड जस्ट कम्प्लीटेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपिंग इन द ईस्ट एंड ही वॉन्टेड अ लिटल एम्यूजमेंट। उन्होंने क्या किया था, रिसेंटली एक कैंपिंग, मिलिट्री कैंपिंग को कम्प्लीट किया था सक्सेसफुली। नाउ ही वॉन्टेड अ लिटल एम्यूजमेंट, उनको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करना था। सडनली ही टर्न टू हिज कॉर्टियर्स एंड सेड, तुरंत ही उन्होंने अपने कॉर्टियर्स को, मतलब कि वहाँ पर जो दरबारी थे सारे, उनको बुलाया और कहा, टेल मी व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु डेयर टू ट्विक योर एम्पायर्स मस्टर्ज। उन्होंने अपने कॉर्टियर्स को पूछा कि आप ऐसे इंसान को क्या सज़ा दोगे जो तुम्हारे राजा यानी कि मेरी मस्टर्ज को मरोड़े, मतलब मेरी मस्टर्ज के साथ, मूंछ के साथ खेले। द कॉर्टियर्स वर शॉक्ड At the thought, only the most cruel criminal would dare to touch the king. Shahbaz Khan spoke up. लोग अंदर अंदर बात कर रहे थे, ऐसी हिम्मत तो किसी की नहीं हो सकती, कोई अगर cruel criminal भी हो तो भी उसकी हिम्मत ऐसी नहीं हो सकती। उसी टाइम शहबाज ने बोला, My lord, this villain should be merciless flogged टू डेथ। ऐसे अपराधी को क्या करना चाहिए, मार देना चाहिए। बी हेडेड इन फुल पब्लिक व्यू योर ओनर सेड मुल्ला दो प्याज़ा। मतलब कि जो गुनहगार है उसका पूरे गांव के लोगों के बीच उसका सर कलम कर देना चाहिए, मतलब कि उसका सिर काट देना चाहिए। ऐसा अलग अलग सब उसको, राजा को व्यूज दे रहे हैं। द विलेन शुड बी थ्रो डाउन फ्रॉम द फोर्ट और बी हैंग्ड सेड शादी शाह। क्या बोल रहे हैं कि उसको पूरे जो भी किंगडम है पूरे राज्य के बीच में उसको हैंग आउट, मतलब कि उसको फांसी दे देनी चाहिए। And you, Birbal, what punishment do you suggest for this offender? Asked the emperor. सब ऐसा अपना reviews दे रहे थे कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन बिरबल कुछ बोल नहीं रहा था। तो राजा ने सामने से बिरबल को पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा क्या कहना है। बिरबल said, शाह आलम, I would give him some sweets. तो बिरबल ने कहा कि हमें उसको, यानी कि मैं उसको थोड़ी सी मिठाई दूंगा। The other courtiers gaped at Birbal. Had he gone mad? सारे जो बाकी के courtiers थे, दरबारी थे, वो अंदर अंदर क्या करने लगे, बातें करने लगे, फुसफुसाने लगे, ये बिरबल पागल हो गया है? स्वीट्स फॉर सच अ क्राइम,
ऐसे क्राइम के लिए स्वीट देना, ये कोई अच्छी बात है? श्योरली दिस टाइम बीरबल वॉज रॉन्ग, अब तो इस बार बीरबल गलत ही है। अकबर फ्रॉन्डेड, अकबर थोड़ा ऐसे बोलते हैं ना कि कन्फ्यूज्ड हो गया था और उसने पूछा, डिड आई हियर यू राइट बीरबल, क्या मैं तुम्हें सच सुन रहा हूँ? यू कंसिडर गिविंग स्वीट्स टू बी राइट पनिशमेंट फॉर सच अ क्राइम, क्या ऐसे क्रिमिनल को स्वीट देना क्या ये ठीक पनिशमेंट है? तो बीरबल ने कहा, ओनली इन दिस केस योर मैजेस्टी, लेकिन उसी केस में बीरबल ने कहा ये तभी पॉसिबल है बिकॉज हु एल्स बट योर बिलोव्ड ग्रैंडसन वुड डेयर टू टेक सच अ लिबर्टी विथ द किंग ऑफ किंग्स। इसमें क्या कहा है बीरबल ने कि ऑफकोर्स मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, क्योंकि ऐसी हिम्मत, मतलब आपकी मूछ पकड़ने की हिम्मत तो कौन कर सकता है, आपका ग्रैंडसन, मतलब कि आपके बेटे का बेटा, छोटा सा बच्चा है उसका ग्रैंडसन। देखो यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा है ये वाला, उसका ग्रैंडसन है, ठीक है। अकबर ब्रस्ट आउट लाफिंग, यू आर राइट अगेन बीरबल, इट वॉज इंडीड दैट लिटल रस्कल हु ट्विटेड माई मस्टाच दिस वेरी इवनिंग। तो अकबर ने क्या किया, वो तो हंस पड़े और उन्होंने कहा कि इस बार भी तुम सही हो कि हर शाम को मेरा ग्रैंडसन मेरी मस्टाच के साथ खेलता है और उसके अलावा और कोई हिम्मत कर ही नहीं सकता। सो नाउ दिस टाइम यू आर ऑल्सो राइट, ओके। तो यहाँ पे था एक्सप्लोरिंग पजल्स, मतलब कि यहाँ पे अकबर और बीरबल की पजल के बारे में आपको स्टोरी दी गई थी, ओके फ्रेंड्स। सो गुड बाय, हैव अ गुड डे।